हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा जाए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पर आए ही नहीं थे, इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं, लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है, यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने, काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेन पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें। हम हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं, अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाए। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहां पे। बस हमारा लौटा दे, हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते, बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया, आप इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है, क्या दिन आ गया। ये हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए, आप जरूर बताइए। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है, कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं, हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा बड़, मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं जरूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले कि बात होती आप गैर हो गए, जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे, लेकिन हाँ तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो आखिरी हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।